नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। तो कोई नहीं दे रहा है ना, तो आप लोग अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो तो अभी भी थोड़ा सा टाइम है, टेस्ट दीजिए। यही आपको बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। आपका स्कोर ही आपको बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी है। तो कोशिश करिए, टेस्ट दीजिए, बाकी सारे सब्जेक्ट को रिविजन करिए और डेली करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर फॉलो करिए। चलिए क्लास स्टार्ट करो, उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए आते हैं अपने सेशन पे और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास पे दोस्तों। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि आर्टिमिस 2 चंद्र मिशन के तहत चंद्रमा पर जाने वाला पहला अश्वेत व्यक्ति कौन बनेगा। जैसे कि आपको पता है, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों, कौन, नासा। नासा का मिशन है चंद्रमा से संबंधित, क्या नाम है, आर्टिमिस मिशन। ठीक है, पहला लॉन्च किया जा चुका है, दूसरा जो है आर्टिमिस मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है नासा। और उसके तहत वो मानव को जो है चंद्रमा पर फिर से उतारेगा और इसके तहत पहला जो है अश्वेत व्यक्ति जो जाएंगे चंद्रमा के सतह पर वो कौन होंगे दोस्तों, वो होंगे विक्टर ग्लोवर। ठीक है, ये पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे जो चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे, विक्टर ग्लोवर, आर्टिमिस मिशन 2 के तहत। आइए इसके बारे में बात करें। देखिए, ये मिशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो नासा के अभी तक जितने भी मिशन जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थे, उनको एक एक करके आप लोग रिविजन कर लीजिए। बाकी दोस्तों बात करें, देखिए नासा जो है वो आर्टिमिस मिशन, ठीक है, जो कि चंद्र मिशन है, इसके तहत ध्यान रखेगा चार व्यक्तियों को चंद्रमा पर योजना बनाया है भेजने का, जिसमें से एक अश्वेत व्यक्ति होगा और एक महिला होगी। ठीक है, तो एक महिला और एक अश्वेत यात्री का नाम उन्होंने दिया है, ठीक है, नासा ने ध्यान रखेगा आर्टिमिस 2 चंद्र मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। 4 सदस्य जाएंगे जिसमें से एक अश्वेत व्यक्ति होंगे, एक महिला भी जो है वो आर्टिमिस मिशन 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली है। और ध्यान रखिएगा, इन 4 सदस्यीय टीम में 3 अमेरिकी हैं और 1 कनाडाई जो है वो अंतरिक्ष यात्री होंगे। ये देख लीजिए, इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीर आपके सामने है जो नासा के द्वारा जिनके नाम दिए गए हैं जो आर्टिमिस मिशन 2 के तहत चंद्रमा पर जाएंगे। इसमें बात करें, ये पहली महिला जो है जो चंद्रमा पर जाएंगी, ध्यान रखिएगा क्या नाम है इनका, क्रिस्टिना कोच, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्रिस्टिना कोच है जो चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला बनेंगी। वहीं बात करें, पहले जो अश्वेत व्यक्ति होंगे वो है विक्टर ग्लोवर, ठीक है, जो कि चंद्रमा मिशन में भाग लेने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। आप इनकी तस्वीर यहाँ पे देख रहे हैं। अन्य व्यक्तियों की बात करें दोस्तों, तो रिड वाइसमैन, ध्यान रखिएगा ये इस मिशन के कमांडर होंगे। और ध्यान रखिएगा, विक्टर जो होंगे वो इस मिशन के क्या होंगे, ये अपना इस मिशन के पायलट होंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं किसके बारे में, तो आर्टिमिस 2 मिशन जो है ये ध्यान रखिएगा चंद्रमा के क्षेत्र के बारे में। अधिक से अधिक जानकारी पता लगाने के लिए इस मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और ये मिशन देखिए, जो अमेरिका का स्टेट है फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, ठीक है, SLS रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी ही जो है आर्टिमिस मिशन 2 को लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। और ये व्यक्ति आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके बारे में आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्नलिखित में से किस राज्य में गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। देखिए, एशियाई राजा गिद्ध के संरक्षण और प्रजनन के लिए जो केंद्र बनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, और वो कहां पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अपने आप में ना सिर्फ करंट अफेयर बल्कि ये यूपी स्पेशल भी रहेगा आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिएगा और कहीं शॉर्ट नोट्स में अपने एक तरफ लिख लीजिएगा। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में बात करें, उत्तर प्रदेश का जिला है महाराजगंज जिला, उसमें एशियाई राजा गिद्ध, ध्यान रखिएगा एशियाई राजा गिद्ध, जिसे अक्सर लाल सिर वाले गिद्ध के भी नाम से जाना जाता है, इसके संरक्षण के लिए, ठीक है, दुनिया का पहला है ये, ठीक है, संरक्षण और प्रजनन केंद्र। नाम क्या होगा दोस्तों, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ये ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का पहला है, ठीक है, दुनिया का पहला जो है संरक्षण केंद्र है ये।
और इससे जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा योगी जो है योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। कहां दोस्तों? महाराजगंज जिले में, ठीक है। ये जो उद्घाटन होगा दोस्तों ये कब किया जाएगा? तो जब हम मनाते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। कब मनाया जाए दोस्तों? ये मनाया जाता है सितंबर का जो पहला शनिवार होगा उसी दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। और इसी दिन के उपलक्ष्य में इस जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा किया जाएगा। बात करें जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के बारे में, तो गोरखपुर वन मंडल के फरेडा रेंज के भारी जो है बैसी गांव में स्थित है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों एशियाई राजा गिद्ध के बारे में, तो ये वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत देखिए ये गंभीर रूप से क्या है, संकटग्रस्त और संरक्षित है, ठीक है। वही बात करें दोस्तों इसे देखिए किस, इसका अगर हम साइंटिफिकली नेम देखें एशियाई राजा गिद्ध का, तो सर्कोजिप्स कैल्वस इसका जो है नेम है, साइंटिफिक नेम है। और इसे अक्सर क्या कहा जाता है दोस्तों, लाल सिर वाला गिद्ध कहा जाता है। और भारतीय काले गिद्ध या पुडुचेरी गिद्ध के भी रूप में इसे जाना जाता है। तो एशियाई राजा गिद्ध को अन्य किन नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो लाल सिर वाले गिद्ध, या फिर हम इसे कहते हैं एशियाई काले गिद्ध, या फिर पुडुचेरी गिद्ध के भी नाम से जाना जाता है। और ये ज्यादातर देखिए मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाए जाते हैं, और कुछ देखेंगे आप तो साउथ ईस्ट एशिया में भी इनके जो है हमें संख्या देखने को मिल जाती है। IUCN की रेड लिस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें बात करें तो एशियाई राजा गिद्ध को 2004 में देखिए इसकी प्रजाति को कम से कम चिंता से क्या कर दिया गया था, निकट संकटग्रस्त कर दिया गया था। लेकिन आगे चल करके यानी कि 2007 में बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे देखिए गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो है, संकटग्रस्त सूची में क्या किया गया है, सूचीबद्ध कर दिया गया, जिस कारण से इसके संरक्षण को लेकर के सरकार काफी गंभीर है और इसके लिए कई स्टेप उठा रहे हैं, जिसमें से एक इसका संरक्षण प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये दुनिया का पहला है और ये उत्तर प्रदेश में इसको बनाया जा रहा है महाराजगंज जिले में, जिस कारण से ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की, कि निम्न में से कौन से IIT संस्थान ने UR20 परामर्श की मेजबानी की है? UR20 परामर्श की जो मेजबानी की गई है किस IIT संस्था के द्वारा की गई है? जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड कर रही होती हूँ तो कोशिश क्या करिए आप सभी लोग आंसर देने की, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए आंसर दीजिए। देखिए इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है काफी, ठीक है। जब आप करेक्ट आंसर करेंगे तो आपको और मजा आएगा आंसर देने में, अगर गलत भी करेंगे तो भी आपको एक क्यूरियोसिटी होगी कि यार देखिए सही आंसर क्या है। और जब आप अपने गलत को सही करेंगे, ठीक है, इनकरेक्ट को जब करेक्ट करेंगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, इसलिए चाहे सही चाहे गलत आंसर देने की कोशिश क्या करिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है किस IIT संस्था ने UR20 परामर्श की मेजबानी की है, तो ये की है दोस्तों IIT कानपुर। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि IIT कानपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके UP स्पेशल में। तो अभी IIT कानपुर में देखिए भारत की जो G20 की अध्यक्षता है उसके तहत ये जो है U20 परामर्श का आयोजन कर रहा है, ठीक है, इसने आयोजन किया है। इसमें देखा जाए इस U20 परामर्श का जो आयोजन किया गया है IIT कानपुर में जी भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत, इसमें देखिए भारत के साथ साथ जो विदेशों से अधिकतम कितने 1200 युवा प्रतिनिधि जो है वो उपस्थित हुए, एकत्र हुए और जो है प्रभावी समाधान उत्पन्न करने के लिए वैश्विक मुद्दों पर उन्होंने क्या किया, चर्चा किया। इसका जो पूरा संचालन किया जा रहा है परामर्श संचालन, वो देखिए किसके द्वारा ये बनाया गया एक मंच है ये परामर्श मंच, तो युवा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाया गया ये एक मंच है। और इस पे जो है यूथ जो है वो एकत्रित होते हैं देश विदेश के, और वो क्या करते हैं दोस्तों एक तरीके से इससे संबंधित चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। वही बात करें इस मंच के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे जो है माफ करिएगा, तो इस मंच में देखिए विभिन्न देशों से युवाओं को जोड़ने और भविष्य की नीतियों को आकार देने में मदद ये मंच करता है।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य थे जो हमारे लिए जरूरी थे। चलिए आप मुझे बताइए, चूंकि भारत जो है इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो इस साल जो G20 के अध्यक्ष जो है, जो कौन सा संस्करण है G20 का, आप ये मुझे बताइए। इसके पहले जो G20 का जो है सम्मेलन जो था वो किस देश के द्वारा आयोजित किया गया, उसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई, ये संस्करण कौन सा सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, संस्करण भी पूछ देगा। मेजबान राज्य जो है राष्ट्र कौन था 2022 में, ठीक है, मेजबान राष्ट्र की बात करें, ठीक है, तो कौन था ये आपको ध्यान रखना है, और आप मुझे ये फिलहाल दो प्रश्न का आंसर करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने गर्मी के तनाव को कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है, तो कूल रूफ पॉलिसी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये किया गया है दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने, ध्यान रखिएगा, कूल रूफ पॉलिसी की शुरुआत की है, ठीक है, और ये देखा जाए तो इस तरह से देखिए, ये काफी गर्मी है, गर्मी काफी बड़ी, इसको ध्यान में रखते हुए जो है शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से और साथ ही साथ ऊर्जा की खपत को कम करने के उद्देश्य से जो है इस तरह का पहल करने वाला तेलंगाना जो है ये देश का पहला राज्य बन गया है। तो रूफ कूल पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, ये है तेलंगाना, ठीक है, जो नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री जो है जिनका नाम है केटी रामाराव, इन्होंने देखा जाए राज्य को अधिक तापीय रूप से आरामदायक और गर्मी के अनुकूल बनाने के दृष्टिकोण के साथ जो है वो पॉलिसी का शुभारंभ किया है, और इस पॉलिसी का जो शुरुआत की गई है, जो लागू की गई है ये नीति, वो 1 अप्रैल 2023 से क्या किया गया है, इसको लागू किया गया है। आइए यहाँ पे कुछ और भी चीजें देख लेते हैं जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं अन्य राज्यों से, और यहाँ पे हम बात करें जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ध्यान रखिएगा हैदराबाद में देखा जाए तो मई 2023 तक 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर देखिए कौन बन जाएगा, ये हैदराबाद बन जाएगा, ठीक है, तो हैदराबाद जो है ये 100% सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला राज्य, पहला शहर जो है ये बन जाएगा मई 2023 तक। वही देखा जाए भारतीय शोधकर्ताओं ने माइक्रो हाइलिडी परिवार के मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है दोस्तों, कहां दोस्तों, केरल में, ठीक है, तो केरल में ध्यान रखिएगा भारतीय शोधकर्ताओं ने माइक्रो हाइलिडी परिवार के मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट इकोलॉजी का। और अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा तथ्य है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए शहर सी योजना शुरू की गई है, कहां, त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने शहर सी योजना की शुरुआत की है, उद्देश्य क्या है, जो स्कूली बच्चे हैं उनमें जो है सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करना। आइए अगला जो है फैक्ट्स की, भारत का पहला एग्री चैट बॉट अम्मा कुशाई लॉन्च किया गया किस राज्य में दोस्तों, उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जो है भारत का पहला एग्री यानी कि एग्रीकल्चर चैट बॉट अम्मा कुशाई लॉन्च किया गया है, ठीक है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया गया, तो किस राज्य ने दोस्तों अपना पहला रेडियो स्टेशन डिजिटल रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो संगवारी इसका शुभारंभ किया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या फिर बिहार। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए छत्तीसगढ़, ठीक है। बात करें यहाँ पे दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो है श्री भूपेश बघेल, और इन्होंने छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, और ये छत्तीसगढ़ का जो पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है इसका नाम क्या है, रेडियो संगवारी, इसका नाम रेडियो संगवारी है, इसको लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके दौरान जो है इसी दौरान इन्होंने कुछ और भी चीजों को जैसे कि कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जैसे कि इसके अतिरिक्त वहां के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में काका जिंदा है छत्तीसगढ़ गीत आइडियो का भी विमोचन किया इसी के थ्रू, और इस गीत के जो रचयिता है दोस्तों प्रधान आरक्षक दिलीप ताम्रकार जी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा रेडियो संगवारी यह छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन। आइए बात कर ले छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ और भी तथ्य जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थे और हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है।
यहाँ पे दोस्तों बात करें राज्य विधानसभा में मीडिया कार्मिक और सुरक्षा विधेयक 2023 पारित किया, तो किस राज्य की विधानसभा ने? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है उसने मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित किया। वही बात करें दोस्तों, कुछ दिन पहले हम लोगों ने छेड़ा छाड़ा, ठीक है, छेड़ छाड़ा महोत्सव के बारे में बात किया था। इस महोत्सव का आयोजन जो किया गया है वो किया गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देखिए अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ का एक चावल है जिसका नाम है नागरी दोबरा चावल, और नागरी दोबरा चावल की किस्म को अभी हाल फिलहाल में GI टैग दिया गया है, ठीक है, भौगोलिक संकेतक टैग। तो नागरी दोबरा चावल जिसे हाल फिलहाल में GI टैग प्रदान किया गया, ये भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ अन्य तथ्य है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, और हमारा करंट था तो रिविजन हो गया चूंकि हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है पहले भी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करें, करेक्ट आंसर इज बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है, ठीक है, और यहीं पे गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो ये असम का देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे राष्ट्रपति जी जो है द्रौपदी मुर्मू ने किसका उद्घाटन किया दोस्तों? गज महोत्सव का। इस उद्घाटन समारोह के दौरान वहां पे राष्ट्रपति जी ने लोगों को संबोधित किया, और ध्यान रखिएगा जो इस साल एक पिक्चर थी, ठीक है, विद चित्र, जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एक मूवी थी जिसका नाम था, ठीक है, एलिफेंट विस्पर, जिसको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। और इस एलिफेंट विस्पर में जो प्रकृति जो है प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाया गया उसका बखूबी राष्ट्रपति जी ने क्या किया? चित्रांकन किया, उसके बारे में उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमारे देश यानी कि भारत में हाथियों को क्या माना जाता है दोस्तों? प्रगति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनकी रक्षा करना, उनका संरक्षण करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इस दौरान इन्होंने सभा को संबोधित करते हुए ये सारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा, ठीक है। इसी दौरान जब असम दौरे पर राष्ट्रपति जी गई थी, तो राष्ट्रपति जी ने जो असम गुवाहाटी यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसने अपना 75वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई, और इस दौरान जो समारोह हुआ था उस समारोह में राष्ट्रपति जी भी जो है वो उपस्थित हुई, और समारोह को क्या किया उन्होंने? उसकी शोभा बढ़ाई। तो 7 अप्रैल 2023 को दोस्तों गुवाहाटी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का 75 वर्ष पूरा हुआ, और इस समारोह में राष्ट्रपति जी भी उपस्थित हुई, और इसी दौरान जो है उन्होंने वहां पे असम में एक जो है मोबाइल ऐप शुरुआत किया गया जिसका नाम है भरोसा, यानी कि भरोसा, ठीक है, भरोसा। और ये जो है मोबाइल ऐप जो शुरू किया गया है बेसिकली महिलाओं और जो बुजुर्ग हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और इस मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा भरोसा जो कि असम से संबंधित है, ये महिलाओं और वहां के बुजुर्ग लोगों की सुरक्षा करने के लिए इस मोबाइल ऐप को बनाया गया जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो असम से संबंधित है, चूंकि हम बात कर रहे हैं असम के काजीरंगा पार्क के बारे में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि काजीरंगा इसी के अलावा और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। असम में भी हाल फिलहाल में 2 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बने थे, तो उनके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं उसका नाम क्या है, ठीक है। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उनका आप मुझे बताएं कि असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है ये मुझे बताइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो अनेक जो है परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, वो किया गया है उत्तर प्रदेश। तो आज आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी विकास परियोजनाएं जो है लागू की जा रही हैं, तो लगातार उत्तर प्रदेश चर्चा में बना हुआ है, तो बहुत ही पॉसिबिलिटी यहाँ से प्रश्नों को पूछे जाने की, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में आजमगढ़ और कौशाम्बी जो कि यहाँ के जिले हैं उत्तर प्रदेश के, इसके दौरे पे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, और इसी दौरान उन्होंने लगभग 5,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लगभग 234 विकास परियोजनाओं का क्या किया? आधारशिला और उसका उद्घाटन किया, ठीक है, आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। तो कितना दोस्तों? लगभग 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा 234 परियोजनाओं का आधारशिला रखी गई। कौन कौन से जिलों में दोस्तों उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और आजमगढ़ में, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों
आजमगढ़ में इन्होंने बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से विकास परियोजनाओं के लिए ज्यादा इन्होंने राशि दी, जिसमें से देखा जाए लगभग 4000 लगभग 4.5 करोड़ रुपए से अधिक की जो है राशि दी, करोड़ की जो है लगभग 117 विकास परियोजनाएं, और कौसाम्बी में तकरीबन देखिए 600 करोड़ रुपए तक की 117 परियोजनाएं जो है ये संबंधित है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आजमगढ़ में दोस्तों बात करें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यहाँ पे जब केंद्रीय गृह मंत्री जी गए अमित शाह ने, तो उन्होंने क्या किया, आजमगढ़ में एक क्षेत्र है जिसका नाम है नामदारपुर, नामदारपुर में देखिए हरिहर संगीत महाविद्यालय का इन्होंने शिलान्यास किया। ये स्टार्ट कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिहर संगीत महाविद्यालय का जो है शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो आजमगढ़ में भी कहा दोस्तों, नामदारपुर में किया गया। इस दौरान उन्होंने देखा जाए कौशाम्बी में कौसाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया, और इतना ही नहीं दोस्तों, जो सांसद खेल स्पर्धा के जो विजेता थे, जो खिलाड़ी थे, उनको भी इन्होंने क्या किया, पुरस्कृत किया। ठीक है, तो ये बहुत ही, ये जो हमने लगातार उत्तर प्रदेश से संबंधित 3 क्वेश्चंस को देखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यूपी स्पेशल के लिए, तो इनको एक अलग से अपना यूपी स्पेशल की कॉपी बना लीजिए, जितना भी आप यूपी से रिलेटेड जो न्यूज देखते हैं उनको एक तरफ लिखते चले जाया करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि स्कीम से रिलेटेड है, यानी कि योजना से रिलेटेड है, और योजना कौन सी दोस्तों, बायोटेक किसान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो देखिए बायोटेक किसान योजना भी हाल फिलहाल में चर्चा में थी, जिस कारण से ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ये योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 2017 में। ठीक है, 2017 में ये योजना शुरू की गई थी। अगर हम बात करें बायोटेक किसान योजना, ध्यान रखिएगा, जो कि एक किसान केंद्रित योजना है, और इसे 2017 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, जो कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसी के द्वारा जो है किसानों के लिए 2017 में बायोटेक किसान योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये योजना जरूरी है, योजना ये क्रम पूछ देता है। इस योजना के बारे में बात करें दोस्तों, तो हब एंड स्पोक मॉडल के अनुसरण ये योजना करती है, और ये ध्यान रखिएगा एक अखिल भारतीय योजना है। इसमें बेसिकली देखिए किस पे ध्यान केंद्रित किया गया है, तो जो किसान है, किसानों में क्या करना दोस्तों, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, और ना सिर्फ उद्यमशीलता को बल्कि उनमें नवाचार को प्रोत्साहित करना, इनोवेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कृषि क्षेत्र में इनोवेशन कर सके, नए नए तकनीकी जो है उसका इजाद कर सके एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करना, इसके लिए उनको क्या करना, एक तरीके से ट्रेंड करना, और इतना ही नहीं दोस्तों, जो महिला किसान है उनको भी सशक्त बनाना इस बायोटेक किसान योजना का लक्ष्य रहा है। ठीक है, बात करें दोस्तों, अगर हम पूरे भारत की बात करें, तो ये पूरे भारत में देखिए कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो देश के सभी जो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है उनके जो है उस क्षेत्रों के साथ साथ आकांक्षी जिलों के बायोटेक किसान हब को स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और हाल ही में देखिए हम चर्चा क्यों कर रहे हैं बायोटेक किसान योजना के बारे में, कृषि योजना के बारे में, तो अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क, यानी किसान योजना से विगत एक वर्ष में लगभग 1,60,000 से भी अधिक किसान जो है वो लाभान्वित हुए हैं। तो ये नया डेटा जो है वो जारी किए गए हैं, जिस कारण से ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। चलिए आप मुझे बताइए, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु कृषि क्षेत्र में जो है वो बांटा गया है, कितने जो है कृषि जलवायु क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की अडानी पावर लिमिटेड ने भारत के किस पड़ोसी राज्य में बिजली सप्लाई शुरू की है। तो पड़ोसी राज्य में देखिए अडानी पावर लिमिटेड ने किस पड़ोसी राज्य में बिजली सप्लाई शुरू की है दोस्तों, पड़ोसी राज्य नहीं कहेंगे दोस्तों, किस पड़ोसी देश में। ठीक है, तो ये बांग्लादेश है दोस्तों। ठीक है, बांग्लादेश, तो ध्यान रखिएगा अडानी पावर ने जो गुड्डा संयंत्र है, कहां है दोस्तों गुड्डा संयंत्र, दोस्तों झारखंड। ठीक है, झारखंड से बंगाल, ये बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड को 450 मेगावाट बिजली जो है वो मिली है। ठीक है, अदानी पावर के कौन से संयंत्र से, गुड्डा संयंत्र से, और अभी जो है इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया दोस्तों, 750 मेगावाट कर दिया गया है।
इसके जो है, इसके पहले जब ये व्यावसायिक आपूर्ति जो नहीं की जाती, जब कॉमर्शियल जो सप्लाई नहीं किया जाता था, तो उस कॉमर्शियल सप्लाई शुरू होने से पहले लगभग झारखंड का जो गुद्दा संयंत्र है, जो अडानी पावर, उस संयंत्र में देखिए अडानी पावर प्लांट ने लगभग क्या किया, 14 दिनों तक क्या किया, कामकाज की गुणवत्ता का परीक्षण किया, उसके बाद जो सप्लाई स्टार्ट की। और इस पावर ग्रिड है कि बांग्लादेश का जो पावर ग्रिड कंपनी ऑफ बांग्लादेश है, उसने जो है इस अडानी पावर के गोड्डा संयंत्र से बिजली को प्राप्त करने के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया है। कहाँ पे दोस्तों? तो ये चपाई, ठीक है, चपाई नवाबगंज सीमा से बांगड़ा उपकेंद्र तक, ठीक है, कहाँ कौन सा दोस्तों? चपाई नवाबगंज सीमा से लेकर के बांगड़ा उपकेंद्र तक लगभग कितने किलोमीटर? तो 134 किलोमीटर के ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया है। उद्देश्य क्या है? अडानी पावर का जो गुड्डा संयंत्र है झारखंड में, उससे बिजली को प्राप्त करने के लिए। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में अगर हम बांग्लादेश के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत से लगभग 1160 मेगावाट बिजली वो आयात कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ बांग्लादेश का जो है सीमा पर विद्युत व्यापार है, और किसी भी देश के साथ बांग्लादेश का सीमा पर विद्युत व्यापार नहीं है। एकमात्र भारत ऐसा देश है जो बांग्लादेश का सीमा पर विद्युत व्यापार साझा कर रहा है। तो ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने आज के लास्ट एमसीक्यू पे। हाल ही में चर्चा में रहा अनुष्ठानिक नृत्य थिर्रा किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, अभी अनुष्ठानिक नृत्य थिर्रा जो कि चर्चा में था, और ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नृत्य हो गया, ठीक है, कहीं भी मंदिर हो गए, इस तरह के जो लोक नृत्य हो जाते हैं, इस सब की जो है चीजें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें जो ये जो अनुष्ठानिक नृत्य थिर्रा है, ये केरल से संबंधित है, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करें, ठीक है। थिर्रा देखिए, जिसे तय्यम सिर्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तय्यम सिरा के भी नाम से जाना जाता है, ये केरल में जो मालाबार क्षेत्र है, ठीक है, उस मालाबार क्षेत्र में जो उपवन है, जो मंदिर है, उनमें ये जो है अनुष्ठानिक नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो आप थिर्रा को किस नाम से जानते हैं? तय्यम एरा के नाम से। और ये जो नृत्य है दोस्तों, उस क्षेत्र में एक मलाया समुदाय रहता है, उन मलाया समुदायों के कलाकारों के द्वारा इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, और जिन्हें क्या किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तपरु मल्यन्नास के नाम से भी जाना जाता है। थेरा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस नृत्य को करने का उद्देश्य क्या है? जो देवता है, उन देवताओं को अपने जीवन में लाने के तरीके के रूप में देखा जाता है, कि एक तरीके से कृपा बने देवता की, इसलिए ये नृत्य को किया जाता है, ठीक है। अभी देखिए, इस नृत्य की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में बात करें तो केरल का जो क्षेत्र है कोझिकोड, कोझिकोड के जो है किथुरावट्टम में मंदिर है जिसका नाम है श्री मुच्चिलुट्टू मंदिर। उस मुच्चिलुट्टू मंदिर में नागराज थीरा का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है, जिस कारण से हम थीरा महोत्सव के बारे में बात कर रहे हैं, केरल से संबंधित। आइए केरल से रिलेटेड कुछ और भी अन्य करेंट अफेयर हैं जो बिहार फिलहाल में चर्चा में थे, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में देखिए जीआई रजिस्ट्री के द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं, और इन आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो केरल ने जो है वित्त वर्ष 2023 में भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक जीआई टैग जो है हासिल किया है। तो जीआई टैग हासिल करने में टॉप पे कौन सा स्टेट रहा है दोस्तों? केरल रहा है। वही बात करें यहाँ पे कि हाल ही में केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन ने सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नाव, क्या नाम है, सूर्यांशु, उसको लॉन्च किया। इसके बारे में हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, और यहाँ पे एक बार रिवीजन हो गया। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों, हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि IPL में सबसे कम उम्र दराज, ठीक है, सबसे उम्रदराज, माफ करिएगा, यहाँ पे IPL में इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज बने कौन? अमित मिश्रा। वही अगला है, हाल ही में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, किसने कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, तेलंगाना। वही देखा जाए G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आयोजित की गई दोस्तों, कहाँ किया गया? केरल में किया गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पृथ्वी का दूसरा सबसे गर्म महीना घोषित किया गया दोस्तों, कौन सा? मार्च 2023 जो था, ये पृथ्वी का दूसरा सबसे गर्म महीना था, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं पहला महीना कौन सा था। यहाँ पे बात करें, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसने अध्यक्ष जो है वर्ष 2023-27 तक किसे चुना गया है? अलेक्जेंडर सेफरिन जो है, ये यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए, जो कि 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अच्छा लगा तो जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान उनका आप आंसर करिए, ठीक है। चलिए, चीजें अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, डेली करंट अफेयर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए, डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।